बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद से गुंडों और माफियाओं को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद फिर से मिला तो गुंडों का सफाया जारी रहेगा। उन्होंने नाहिद हसन को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है। गैंगस्टर नाहिद हसन को यूपी के कैराना से विधानसभा चुनाव का टिकट देना अखिलेश यादव के गले की फांस बन गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला किया है। योगी ने कहा कि दंगाइयों अपराधियों का हाथ थामने वाली समाजवादी पार्टी अब अन्न को थाम रही है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था, इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। हालांकि नाहिद हसन के गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी ने कैराना से उनका टिकट काट दिया है और अब नाहिद हसन की बहन इकरा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन बीजेपी नाहिद की आड़ में अखिलेश यादव को टारगेट कर रही है। वहीं बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। बता दें कि नाहिद हसन को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।